हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे तबीयत ख़राब होने की वजह से। तबीयत तो आज भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ देर बना लें, कुछ टॉपिक कवर कर लें, जितना हो पाएगा करेंगे, बाकी के लिए सॉरी। तो लास्ट पार्ट में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के पार्ट 3 में हम लोग वाशिंग सोडा तक पढ़े थे, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज तक। अब हमें देखना है बेकिंग सोडा। तो जब हम वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि उसका जो फर्स्ट स्टेप है वही क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा होता है। चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन हम देख भी चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, और उसके यूजेज, यूज कहाँ पे होता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका नेम क्या है, सब कुछ। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। केमिकल नेमिंग ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इट्स फार्मूला इज NaHCO3। हाउ डू वी प्रिपेयर बेकिंग सोडा? प्रिपरेशन, हाउ डू वी प्रिपेयर बेकिंग सोडा? हमने पढ़ा था कि जब ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl+H2O, अमोनिया का ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NH3+NaCl+H2O, और उसमें जब CO2 गैस पास करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, NaHCO3 एंड NH4Cl, और यही हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। गाइस, देयर इज अ सिमिलर टर्म एज बेकिंग सोडा दैट वी यूज इज बेकिंग पाउडर। हम बेकिंग पाउडर भी एक टर्म को यूज करते हैं जो कि बेकिंग सोडा से सिमिलर है। इट डजंट मेक बोथ आर सेम, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों क्या है, सेम है। बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेयर एज बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सम एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। जब बेकिंग सोडा में कोई एडिबल एसिड मिला देते हैं जैसे कि टार्टरिक एसिड, तो जो मिक्सचर बनता है उसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। बेकिंग सोडा इज सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेयर एज बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सम एडिबल एसिड, फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड। ओके, तो ये हमारा प्रिपरेशन था जो हम पिछले भी टॉपिक में पढ़ चुके थे। अब हमें देखना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है उसको देखें अगर, तो सिमिलर टू वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज आल्सो वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज आल्सो स्लाइटली एल्केलाइन, ये भी एक तरह का क्या होता है, एल्केलाइन होता है, यानी बेसिक इन नेचर होता है, वाटर सल्यूबल होता है। ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि जब अगर हम इसको हीट करेंगे, जैसे कि हमने प्रिपरेशन ऑफ वाशिंग सोडा में देखा था कि अगर हम इसको हीट करें तो प्रोडक्ट मिलता है Na2CO3+H2O+CO2। तो जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है केक में फ्लफी उसको बनाने के लिए, काफी इसका यूज होता है ड्रिंक में मिलाने के लिए, ड्रिंक को इफर्सवेंट बनाने में काफी इसका यूज होता है। और यही नहीं, अगर बेकिंग सोडा में अगर एसिड मिला दे H2SO4, तो हम जानते हैं कि व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं, तो क्या क्या बनेगा, साल्ट यानी Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो CO2 बनता है ना, ये
फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम में आता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें इन दोनों के मिक्सचर को जब मिलाया जाता है तो ये जो CO2 रिलीज होती है वही आग बुझाने के काम में आती है। यानी अगर हम चाहें तो अपने घरों में भी फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं काफी आसानी से। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी ये वाटर सल्यूबल होता है, इसलिए तो इसको एल्कलाइन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज में जब इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस बनता है। इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है? तो इसका यूजेज जो होता है वो एडिबल सब्सटेंस में भी होता है, जैसे केक को फ्लफी बनाने में होता है, फिर फायर को एक्सटिंग्विशर बनाने में होता है, और भी इसके कई सारे यूज हैं। जैसे कि एक बेस है ये, तो हम जानते हैं कि बेस क्या होता है, जो एंटा एसिड होता है, तो ये एसिडिटी को क्योर करने के भी काम में आता है। तो इसके यूजेज क्या क्या है? टू क्योर एसिडिटी, एंड इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, दैट इज यूज इन एडिबल सब्सटेंस टू मेक इट फ्लफी, एंड इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में इसका यूज होता है। तो ये कुछ यूजेज हैं जो कि बेकिंग सोडा का होता है हमारे रियल लाइफ में, और काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक जो डिफरेंस हमने बताया, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। सिमिलरली वी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ सोडा एस एंड वॉशिंग सोडा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड सोडा एस? देन वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इट इज वॉशिंग सोडा, वेयर एज सोडा इज अ सिंपली सोडियम कार्बोनेट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे हम, क्योंकि कई बार लगता है कि दोनों सिमिलर टर्म है, लेकिन ये क्या है, गलत है। दोनों में डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को हमें याद रखना है। तो ये हमारा था बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेज। अब नेक्स्ट जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसको आप देख लीजिए, फिर हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। अब हमें देखना है ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और यूज। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन, बिफोर वी स्टार्ट प्रिपरेशन वी शुड फर्स्टली नो अबाउट इट्स केमिकल फार्मूला एंड इट्स केमिकल नेम। देन द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, दैट इज इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ सो लेट्स सी इट्स प्रिपरेशन। When chlorine gas is passed through slagged line, then it produces bleaching powder and water, CaOCl2 plus H2. तो इसका preparation जो है काफी simple है। क्या करते हैं, slagged line में जब chlorine gas pass की जाती है तो bleaching powder बनता है और water। तो हमारा प्रिपरेशन काफी सिंपल है। इसका अब नेक्स्ट जो है वो है इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज में पहला कि ये जो होता है एक वाइट पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की स्मेल आती है। क्यों आती है भाई? क्योंकि इसमें क्लोरीन है, तो इसमें क्या होती है, क्लोरीन की स्मेल आती है। दूसरा कि ये जो होता है वाटर में सल्युबल होता है, सल्युबल इन कोल्ड वाटर। लेकिन जब इसको डिजोल्व करते हैं ना तो नीचे एक रेसिड्यू बच जाती है। वो क्यों बचती है? ड्यू टू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लाइन पार्ट होता है वो रेसिड्यू के रूप में बच जाता है। तीसरा कि जब इसको हम लोग एसिड से रिएक्शन कराते हैं, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम सल्फेट एट इज अ साल्ट एंड क्लोरीन गैस एंड वाटर। तो इसमें जो ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है ना, वो ही जो होती है मेन ब्लीचिंग होता है इसमें। जो ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन रिएक्शन होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन इट। इसकी केमिकल फार्मूला में जो क्लोरीन होती है उसी की वजह से ये इसका मेन जो ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है, वो होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है वो क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वही मेन ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो ये हुआ इसका कुछ प्रॉपर्टी। यूजेज क्या होता है? तो यूजेज इसका काफी सिंपल है। ब्लीचिंग ग्रुप में तो हमने काफी सुना है कि ब्लीच करने जा रहा है, कपड़े को ब्लीच करने, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है।
पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हाँ, क्लोरीन की वजह से वाटर को प्योरीफाई करने के भी काम आता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी काम आता है, पूल अनश्रिंकेबल बनाने के काम में आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है। तो इसके कई सारे यूजेज भी होते हैं जिसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, और अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में पूछे जाने से याद आया कि जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, तो आज हमें कुछ बच्चों ने उसका नोट्स बना के दिखाया, सेंड किया मेरे व्हाट्सएप पे, तो मुझे काफी अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट दिन। तो आई होप कि आप लोग भी उसका नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, तो उसके नोट्स बनाते रहिए। अभी मैं जैसे ही उस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के सीरीज को समाप्त करूंगा, उसके बाद हो सके तो या तो मैं रियल नंबर का शुरू करूँ या तो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूँ। मतलब एक सीरीज जो चलती रहेगी, कभी केमिस्ट्री की एक चैप्टर, तो फिर मैथ का, तो फिर एक फिजिक्स का, इन तीनों का हम कवर जरूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमें देखना है जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लेट्स सी इट्स अ केमिकल फार्मूला। कैल्शियम सल्फेट CSO4 हाफ H2O, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 CSO4 डॉट H2, एंड इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट फॉर CSO4, हेमी हाइड्रेट फॉर हाफ H2O। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री की। सबसे पहले क्या हुआ था, पेरिस में इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहा जाता है। POP जो जनरली हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी हम इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो बोन फ्रैक्चर में यूज होता है या स्टेचू बनाने में यूज होता है, वही क्या होता है, POP होता है। तो ये अब इसका हमें देखना है कि प्रिपरेशन कैसे इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका प्रिपरेशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन काफी अलर्ट होके करना होता है। प्रोसेस जो होता है ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन काफी सावधानी इसमें बरतने की जरूरत होती है। बिकॉज इफ वी हीट CSO4 2H2O, दैट इज जिप्सम। इट इज जिप्सम। जब जिप्सम को सिंपली हम बस हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो मिलता है ना, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 2H2O और 3/2H2O यहाँ से रिलीज हो। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन जरूरी होगा। अगर इस टेम्परेचर को बैरी करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कंटेन हो रहा है हाफ एच टू वो बैरी कर जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो जो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना था उसके जगह पे कोई और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे काफी हमें सावधानी से टेम्परेचर एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे रख के ही बनाना होता है, इसको हीट करना होता है। तो जब हम जिप्सम को, जिसका फार्मूला CSO4 2H2 है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 1/2H2, बहुत सिंपल डिफरेंस है यहाँ पे कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2H2O होता है और जिप्सम में 2H2O होता है, और उसी को जिप्सम को जब हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से बन जाता है। तो ये इसका प्रिपरेशन था। अब हमें इसमें देखना है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है और इसका यूज क्या है। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा हिंट दे ही रखा है कि इसके यूजेज में क्या काम आता है, तो स्टैचू बनाने में, बोन फ्रैक्चर में। तो अब इसकी पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, वो एक तरह का व्हाइट पाउडर है। आप इसको देख भी चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। इसको जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो ये एक काफी हार्ड मास प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब काफी एक मजबूत मटेरियल के रूप में उभर के आता है, जो कि अगर हम लोग बोन पे फ्रैक्चर में यूज कर लें तो वो काफी मजबूती से बना रहता है। अगर उससे इतना मजबूत होता है कि उससे किसी के सर पे मार दे तो सर फट जाए, तो ये काफी एक रिमार्केबल हार्ड प्रॉपर्टी, हार्ड मास प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे घरों में POP लगता है तो वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के रूप में भी होता है। यूजेज में इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो हम कह सकते हैं कि ये मेडिकल में यूज होता है, यानी बोन फ्रैक्चर्स में यूज होता है,
फिर फायर फ्री एक जो हमें क्या बोल सकते हैं कि ड्रेस चाहिए होता है उसके भी काम में आता है, फिर स्टैचू बनाने के काम में आता है, टॉयज बनाने के काम में आता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का इससे जिप्सम भी हम लोग बना सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर भी बना सकते हैं। तो इसके कई सारे यूजेज होते हैं पीओपी की, जैसे हमारे वॉल्स में कहीं सीलिंग हो रही है तो वहां पे पीओपी लगा के भी हम उसको सही कर सकते हैं। तो इससे पीओपी के काफी ज्यादा यूजेज होते हैं। तो आप इसके प्रॉपर्टीज को और यूजेज को लिख लेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टर्म है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम जब उसको देखते हैं तो लास्ट टॉपिक जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी हाइड्रेटेड साल्ट। जैसे कि अभी हमने देखा कुछ साल्ट Na2CO3 भी है, एक साल्ट है Na2CO3 NH2O हो गया। एक साल्ट होता है हमारा कॉपर सल्फेट और एक साल्ट होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसमें दोनों डिफरेंस क्या है, NH2O का, इन दोनों डिफरेंस क्या है, 5H2O का। अभी हमने देखा जिप्सम का भी CSO4 2H2O एंड CSO4 1/2H2O। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, हमेशा जो डिफरेंस आ रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का आ रहा है। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग साल्ट होते हैं उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। ऑल दोज साल्ट विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट इज नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बस इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, वाटर जो इसमें कंटेन होता है वही साल्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। जैसे कि अभी हम आपने देखा कि यहाँ पे इसी को वाशिंग सोडा कहते हैं, तो ये क्या है, सोडा एस, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यहाँ पे ये क्या है, जिप्सम है और ये पीओपी है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो होता है ब्लू कलर का पाउडर होता है, जबकि अगर इसको हीट कर दें तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, 5H2 अलग हो, और ये जो बनता है पाउडर साल्ट वो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल से कंटेन करते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वो इनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल चेंज होंगे तो प्रॉपर्टी जो होगी इसकी चेंज हो जाएगी। तो कुछ ऐसे साल्ट जैसे कि Na2CO3 CSO4, इसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो इनको एनहाइड्रस साल्ट बोला जाता है, ये और ये एनहाइड्रस सॉल्ट, मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो उनको एनहाइड्रस कहा जाता है, और जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स हो इनको हाइड्रेटेड साल्ट कहा जाता है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमें नहीं उम्मीद था कि आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन आपको भी एक प्रॉब्लम होगी कि आप थोड़ा सा माइक ईयरफोन यूज करेंगे क्योंकि वॉल्यूम जो होगी काफ़ी कम आपको लगेगी। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अब इसके बाद लेंगे। एक एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग लेते चलेंगे। मेरे चैनल को जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और ज़्यादा एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।